द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुसलमानों के सबसे पवित्र शहर मदीना दर्शन करने के लिए पहुंच गई थी। इसके बाद खूब वहां बवाल भी मचा। कई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई। सऊदी अरब के प्रिंस की भी आलोचना हुई कि आपने कैसे किसी गैर मुस्लिम महिला को उस पवित्र जगह तक जाने की अनुमति दे दी। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो और भी बड़ी है, चौंकाने वाली है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के मदीना दर्शन के बाद वहां की म्यूनिसिपैलिटी ने उस जगह को पवित्र किया है और जो पवित्र जगह है नबवी मस्जिद उसे भी म्यूनिसिपैलिटी ने पवित्र किया है। इसका वीडियो भी अब सामने आया है। जरा आप अपने स्क्रीन पर या विजुअल देखिए, वहां पर साफ सफाई का काम चला है और इसके बारे में इस वीडियो में ही बड़ी जानकारी दी जा रही है। वो वीडियो हम सीधे तौर पर आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा गौर कीजिएगा कि स्मृति ईरानी के कुछ पुराने पोस्ट भी वायरल हुए थे जो मुसलमानों के खिलाफ पवित्र स्थल मदीना के बारे में आपत्तिजनक बयान देते हुए उनके पोस्ट थे, जिसे सोशल मीडिया पर खूब शेयर भी किया गया था। उससे हम फिर से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस वीडियो को देखिए क्या जानकारी दी जा रही है। आपको हम बताना चाहते हैं कि स्मृति ईरानी जी जो आई थी वो यहाँ बिल्कुल यहाँ करीब तक आई थी, बिल्कुल हरम के करीब तक आप देख सकते हैं। तो उस जगह को अभी धुलाई काम चालू है, धुलाई हो रहा है। जहाँ तक स्मृति ईरानी आई थी जो है, जहाँ तक घूमी थी, वो जगह का जो है धुलाई का काम चालू है, सफाई हो रहा है वो जगह, उतना धुलाई का काम चालू है। स्मृति ईरानी यहाँ तक आई थी, आप वीडियो देख सकते हैं, स्मृति ईरानी यहाँ तक आकर के उतना धुलाई चालू है। तो देख लिया आपने, साउथ एशियन जर्नल ने इस वीडियो को शेयर किया है और जो कमेंट में लिखा गया है ट्वीट पे वो जरा देखिए। सऊदी अरबिया मदीना म्यूनिसिपैलिटी इज नाउ वॉशिंग एंड सैनिटाइजिंग द स्ट्रीट्स ऑफ मदीना नियर होली मस्जिद अल नबवी वेयर सम इस्लामोफोबिक एंटी मुस्लिम नॉन मुस्लिम बीजेपी ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग स्मृति ईरानी इंडिया विजिटेड अ फ्यू डेज अगो। यहां पर कहना है कि सऊदी अरब से रिपोर्ट है कि मदीना की जो म्यूनिसिपैलिटी है वो उस जगह को जो मदीना स्ट्रीट है उनके आसपास जहां पर होली मस्जिद अल नबवी है उस जगह को धोया है और वहां उसे सैनिटाइज किया है, मतलब कि उस स्थान को पवित्र किया गया है, क्योंकि वहां पर स्पेशली लिखा हुआ है इस्लामोफोबिक एंटी मुस्लिम नॉन मुस्लिम बीजेपी ऑफिशियल्स, मतलब बीजेपी के कुछ ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग स्मृति ईरानी जो एंटी मुस्लिम भी कही जा रही हैं इनके अनुसार वह वहां आई थी, विजिट की थी, दौरा की थी। इसके बाद अब इस जगह को धो पोछ करके पवित्र किया गया है। अमूमन भारत में भी कभी कभी ऐसा देखने को आपको मिला होगा कि जब दलित कोई मंदिर में प्रवेश कर जाता है तो पुजारी उसे धोने लगते हैं। अब वहां पर इस परंपरा को लेकर सवाल उठते हैं हमारे देश में कि आखिर ये व्यवस्था जो की गई है ये गलत है, क्योंकि अब भगवान सबके लिए बराबर है तो ऐसी मानसिकता नहीं चलेगी। लेकिन वहां जो आस्था है, परंपरा है, उसका क्या नियम कानून है, ये सऊदी अरब के प्रिंस ने शायद सोचा या नहीं सोचा। अब क्योंकि इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग वहां प्रिंस की भी आलोचना कर रहे हैं, ऐसे में अब इस जगह को पवित्र किया गया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, निश्चित तौर पर बताइएगा। हालांकि स्मृति ईरानी के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, इसके पीछे की वजह उनके पुराने पोस्ट भी हैं और बीजेपी से होना या स्मृति ईरानी होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनकी मानसिकता क्या थी इस पवित्र जगह को लेकर, इसको लेकर लोगों ने सवाल उठाए थे और सऊदी के प्रिंस की आलोचना की थी। वो हम आपको फिर से दिखाते हैं कि विवाद था क्या, उस वक्त हुआ क्या था। तो ये देखिए उनके पुराने पुराने ट्वीट्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्वीट है स्मृति ईरानी का 27 अगस्त 2012 की। इसमें उस पवित्र जगह पर मदीना में, ये सबसे खास सबसे पवित्र स्थान है, वहां पर भोले बाबा की तस्वीर लगा दी गई है और यह मैसेज दे रही है कि यहां पहले शिवलिंग हुआ करता था। यह पोस्ट
अब स्क्रीनशॉट के रूप में सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे चेहरे को शेयर किया गया है जो टेररिस्ट रहे, और इसमें से सबके नाम जो बताए जा रहे हैं कि इन लोगों का कनेक्शन मुसलमान होने की वजह से आतंकवादी होना है, इनकी सोच ऐसी थी। नॉट ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट बट वाई ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम्स, इनकी मानसिकता यह है कि हाँ ठीक है कि सभी मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, लेकिन सभी टेररिस्ट मुस्लिम क्यों है। अब यह सवाल जो है स्मृति ईरानी 2013 में 5 मई को पूछती है। तो जिनकी सोच, जिनके विचार, जिनकी आस्था कुछ और है, वो जब मदीना शहर जा रही हैं, तो क्या वो अपनी दिली इच्छा से गई थी या फिर वो कुछ मामला राजनीति से प्रेरित है, तमाम ऐसे सवाल लोग पूछने लगे थे। देखिए स्मृति ईरानी के एक और पोस्ट को देखिए, ये 26 दिसंबर 2012 का पोस्ट है। यहां बताया जा रहा है कि वर्सेस फ्रॉम द कुरान दैट इंस्पायर टेररिस्ट्स, मतलब यह हुआ कि कुरान के वो छंद जिससे आतंकवादी जो है इंस्पायर हो जाते हैं, और कई सारे पॉइंट्स लिख दिए गए हैं। अब ये बताइए कि क्या कुरान आतंकवाद को बढ़ावा देता है? क्या कोई भी धर्म आतंकवाद को बढ़ावा देता है? नहीं देता है। इसके बावजूद भी स्मृति ईरानी की मानसिकता इस स्तर की रही, जिसको लेकर लोगों ने आपत्ति जताई, गुस्सा भी दिखाया, कई लोग भड़के भी, क्योंकि स्मृति ईरानी ने जब इस जगह को विजिट किया था तो कई सारे तस्वीरों को कोलाज करके उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, और उसमें लिखा भी गया था, अंडर टू का हिस्टोरिक जर्नी टू मदीना टुडे वन ऑफ द इस्लाम्स होलीस्ट सिटीज इंक्लूडेड अ विजिट टू द पेरिफेरी ऑफ द रेवर्ड प्रोफेट्स मॉस्क अल मस्जिद अल नबवी द माउंटेन ऑफ उहुद एंड पेरिफेरी ऑफ द क्यूबा मॉस्क द फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम द सिग्निफिकेंस ऑफ द विजिट टू दिज साइट्स courtesy Saudi officials intertwined with early Islamic history underscores the depth of our cultural and spiritual engagement। यहाँ पर अब cultural और spiritual engagement की बात कर रही है, तमाम मस्जिद की भी बात की कि मैं वहां सब गई दर्शन करने के लिए, मेरा शेड्यूल तय है, और इसमें से उन्होंने अल नबवी मस्जिद के बारे में भी, और इसके अलावा सबसे पुराने क्यूबा मस्जिद की भी बात वो कर रही है। इसी को लेकर लोगों ने इन पर निशाना साधना शुरू किया, और सऊदी के प्रिंस को भी कहा कि आप जो हैं यहां पर इनके वो अनुमति दिए कैसे, ये अनुचित है, ये सही नहीं है। अब स्मृति ईरानी के वहां से विजिट करने के बाद, लौटने के बाद उस जगह को पवित्र किया गया है, उसकी धुलाई की गई है, इसको लेकर भी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा है। लोग कह रहे हैं कि यह सब इसी कारण से हुआ है कि एक गैर मुस्लिम महिला उस जगह गई थी, इस वजह से मदीना के उन पवित्र स्थल की म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा धुलाई करवाई गई है, और फिर शायद मोहम्मद बिन सलमान के प्रति लोगों का गुस्सा भी है, नाराजगी भी है। अब इन लोगों ने यह मैसेज देना शुरू किया है कि गैर मुस्लिम की एंट्री, और खास करके जिनकी मानसिकता इस्लाम के बारे में सही नहीं है, वो आपत्तिजनक बातें पोस्ट करते रहे हैं, उन्हें जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। तो देखिए अब इसको लेकर प्रतिक्रिया क्या आती है, इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।